18 मार्च तो अमृतपाल फरार है, किथे है इस दा पुलिस नु कोई थौ पता नहीं लग रहा है। ऑपरेशन अमृतपाल चलाया गया, कई दिन बीत चुके ने पर पुलिस दे हाथ खाली दे खाली ने। 28 मार्च दी रात नु अमृतपाल दे हुशियारपुर दे पिंड मरनाईया च अपने साथी पपलप्रीत दे नाल होण दा पता चलिया सी। इस तो बाद पुलिस लगातार मरनाईया पिंड सने आस पास दे पिंडां नु छान रही सी। 28 मार्च बाद पपलप्रीत दी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। इह सीसीटीवी 29 मार्च दी है। हुशियारपुर दे पिंड तरनौली च सीसीटीवी गुरुद्वारा तपोवन साहिब दी है। पपलप्रीत इस सीसीटीवी कल्ला ही नजर आ रहा है। अमृतपाल ते उसदा साथी पपलप्रीत इना पिंडां च ही मौजूद रहे पर पुलिस दे हाथ नहीं आ सके। जदों हुशियारपुर दे पिंड मरनाईया च अमृतपाल दे होण दी सूचना मिली तां उदों पुलिस दे वल्लों चप्पे चप्पे ते पुलिस तैनात कीती गई। कई दिन पुलिस दी मौजूदगी पिंडां दे विच ही रही पर हुण इना पिंडां दे विच सिक्योरिटी घटा दित्ती गई है। इस दे नाल ही अमृतपाल सिंह अते पपलप्रीत दी गिरफ्तारी नूं लै के पुलिस ने रणनीति भी बदल ली है। हुण पुलिस मुलाजम पुलिस वर्दी दी बजाय सिविल च दोवां दी तलाश च हुशियारपुर जिले दे पिंडां च सर्च कर रहे ने। थाणा मतियाणा च वी हाले सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अमृतपाल की तलाश पंजाब पुलिस हाले भी हुशियारपुर फगवाड़ा जलंधर के आस पास पिंडा ते नजर बनाए हुए है। पंजाब पुलिस के कोल इनपुट है कि हाले भी अमृतपाल इस एरिया दे विच हो सकता है। पंजाब पुलिस वर्दी पा के डेरिया ते गुरुद्वारा च जान तो बचना चाहती है, इसलिए सिविल वर्दी दे विच ऑपरेशन चलाया गया। वड्डी गिनती च पुलिस की बजाय छोटिया छोटिया टीमां बना के तलाश की जा रही है।